सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2024 के जनरल इंजीनियरिंग BMEE यानी बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, आपके ये चार सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट जो है वो कॉमन सब्जेक्ट हैं। नाम सबका अलग अलग है। पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि जनरल इंजीनियरिंग को सबसे ज़्यादा डाउट होता है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल का पार्ट पढ़ना होता है। बेसिक मैकेनिकल में आपको सीधा दिख रहा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ना है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल का पार्ट पढ़ना है और इसमें आपको मैकेनिकल और सिविल का पार्ट पढ़ना है। इस बात का ध्यान रखें, BMEE जो है वो आप सभी के किन स्टूडेंट्स के लिए है, ये आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, ये आपके BMCE जो कि आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ही है, और ये आपके मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। तो ये चीज़ें आपको, मुझे आशा है कि समझ में आ रही होंगी। तो मैं बता दूं कि सबके लिए कॉमन है, तो इसको लेकर के आप पैनिक ना हो कि इसका नाम जनरल इंजीनियरिंग है। अगर आपके जनरल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन जो है वो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आने वाले अदर सब्जेक्ट्स हैं जो अदर ब्रांच के, उसमें भी कॉमन है। ठीक है, ये बात को लेकर के आप कन्फ्यूजन में तो नहीं है? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल वालों को भी यही हाल है, जो जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल पोर्शन है वो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल में अकेले दिया गया है, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट सिविल पोर्शन में स्कोर करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? सिविल पोर्शन जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो सिविल पोर्शन में स्कोर करना आसान हो जाता है, और चार पाँच क्वेश्चन में बता दूंगा वही आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, तो बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी ब्रांच के लिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों कि अभी मौका है, 10 दिन का मौका है। ज्ञान विद सचिन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और तुरंत नोट्स को परचेज कीजिए जो भी आपकी ब्रांच है, और अपनी तैयारी को बहुत धाकड़ तरीके से कीजिए। और आपके नोट्स जो होंगे वो हिंदी में होंगे, और टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 है विथ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी को मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताता भी रहता हूँ, तो वहाँ पर पूरा लिखा हुआ हर एक चीज़ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, कि आपके पी वाई क्यू पेपर, और ऐसा नहीं है 2018 से लेकर 2023 तक कहीं नहीं मिलेगा, कोई सा चैनल ढूंढ लेना जा करके, मिल जाएगा तो कमेंट कर देना कि इस तरीके की फैसिलिटी कहाँ प्रोवाइड होती है। सिर्फ ये, सिर्फ बात से ही नहीं, जो रियलिटी है, मैं आप सभी के साथ ढूंढ ढूंढ करके प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम से हटाने वाला भी था, लेकिन आप सभी का रिक्वेस्ट था तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या आप ऐप पर सीधा जाओ और ऐप पर डायरेक्ट सारी PDF अवेलेबल हैं। आप PYQ सेक्शन में विजिट करो और वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो चलिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BMEE, जनरल इंजीनियरिंग जो भी पोर्शन है उसको शुरू करते हैं। पहला चैप्टर सबका है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिकल पोर्शन जिसका है, सब में इलेक्ट्रिकल पोर्शन, यानी सबको देखना है कि एक वीडियो, ऐसा नहीं है कि हट कर जाना है। जिसका BMEE है उसको इलेक्ट्रिकल पोर्शन देखना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी इलेक्ट्रिकल पोर्शन देखना है, और आपके जो क्या नाम है उनका जनरल इंजीनियरिंग है उन्हें भी इलेक्ट्रिकल पोर्शन देखना है। इसलिए इलेक्ट्रिकल पोर्शन को मैंने पहले रखा है। किरचाफ के वोल्ट टाइमिंग धारा का नियम, यानी मैं आप सभी को बता दूं कि KCL जिसे कहते हैं और KVL कहते हैं, क्योंकि आप डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने लगते हो तो एडवांस बोलने लगते हो, है ना, तो KCL और KVL को क्या कर लेना, रट लेना। रट इसलिए लेना क्योंकि आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में ये चीज़ है, तो अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड या जनरल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रिकल, दोनों जगह में से कहीं पर भी 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो भैया, इसके न्यूमेरिकल अगर आपसे हो पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो पा रहे हैं तो इसकी थ्योरी तो एकदम अच्छी तरीके से रट लेना, ठीक है। विद्युत उद्योगों से संबंधित प्रमुख सावधानियाँ, इसके बारे में समझ लेना, क्योंकि ये आपके वाइवा में भी पूछ लग सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी दो बार पूछा गया है। ओम्स लॉ, ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी लिमिटेशन को आप याद कर लेना। चलिए, चौथा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहता है वो, तीन विभिन्न प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए सूत्र निकालिए जब वो श्रेणी क्रम में हो और वो समांतर क्रम में हो। तो भैया, इसको भी अच्छी तरीके से आप सभी डेरिवेशन की तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चालक,
अर्धचालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के प्रतिरोधों पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा इसे आप देख सकते हो, बाकी इसे आप निगलेक्ट कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी यूनिट्स को ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। इनमें सबसे ज़्यादा EMF है, मैं बोल करके बताऊँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका प्रतिरोधकता भी इसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 है DC सर्किट थ्योरम, जिसमें थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। और KCL, KBL, नॉर्टन और थेवेनिन सुपर पोजिशन में से दो क्वेश्चन बनते हैं हर साल, तो डेफिनेटली इसे अपने दिमाग में रख लेना। अगला है सुपर पोजिशन थ्योरम को उदाहरण सहित समझाइए, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को भी अच्छी तरीके से समझाना है आपको। तो ये जो है दो क्वेश्चन जो है ऊपर वाले एकदम अच्छी तरीके से रट लेना। ये है तीसरा चैप्टर जो कि 2 नंबर में ही पूछा जाने वाला चैप्टर है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 100% की रहती है, ये आपके एग्ज़ाम में आ ही आ जाता है। अगर वो नहीं आता है तो ये आता है आदर्श तथा व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स बताओ, अगर वो भी नहीं आता है तो आदर्श तथा व्यवहारिक जो है करंट सोर्स को बताना है ग्राफ के द्वारा। ग्राफ के द्वारा नहीं बताओगे लेकिन डेफिनेशन तो अगर आपको पता होंगी तो कहीं ना कहीं एक नंबर आपके आ जाते हैं। चलिए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण भैया रट लेना। रट इसलिए ना क्योंकि ये आपके 100% एग्ज़ाम में है। क्यों है? क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में है और आपके जनरल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल और BMEE जो भी सब्जेक्ट है उसमें 100% है। तो भैया रट लेना, आपका उद्धार हो जाएगा 5 नंबर का, दोनों जगह में से कहीं एक जगह 5 नंबर मिल ही जाएंगे। लेंज का नियम भैया एकदम विद एप्लीकेशन तैयार कर लेना। चलिए स्वप्रेरित एवं अनून्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की व्याख्या कीजिए, इसका भी देख लेना अच्छी तरीके से। चुंबकीय परिपथ में संग्रहित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि कई बार पूछा गया है। चलिए हिस्टेरेसिस एवं भंवर धारा हानियों का वर्णन कीजिए, हिस्टेरेसिस और भंवर धारा तो नहीं, हिस्टेरेसिस, ठीक है। आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में भी थोड़ा इसका जिक्र हुआ है, ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें, बाकी भंवर धारा के बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए बैटरी आ जाइए, लेड एसिड सेल और निकिल कैडमियम सेल दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में है, तो यहाँ पर इसे आप +5 मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप +5 मार्क कर लो, यहाँ पर आप +5 मार्क कर लो, ठीक है। दो क्वेश्चन 10 नंबर और यहाँ पर +2 कर लो, ठीक है, 12 नंबर। यहाँ पर +5 कर लो, 17 नंबर। और आपके ठीक है 17 नंबर, ये 5 नंबर मिला करके, ठीक है, ये तीनों मिला करके 17 नंबर तक का मैंने बता दिया है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% रखे रहेंगे एज इट इज़, ठीक है। तो मैं बता दूं कि एक तो पूछ लेता है कि आप सेल बताओ, यह तो डायरेक्ट पूछता है निकिल कैडमियम सेल या लेड एसिड सेल, ये दोनों सेल में ही पूछेगा। और दोनों नहीं पूछता है तो उसके मेंटेनेंस के बारे में, क्षमता के बारे में, रख रखाव के बारे में पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर तक का मैंने बता दिया है। AC और DC में अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके 2024 में दिखेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कुछ 5 नंबर में टिप्पणी करने के लिए आता है, ठीक है। टिप्पणी करने के लिए आता है तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, BRMS वैल्यू, RMS वैल्यू, मध्यमान, ठीक है, एडमिटेंस, आपका कंडक्टेंस, सस्पेटेंस, ठीक है, और फॉर्म फैक्टर और पावर फैक्टर, ठीक है। तो भैया इसको अच्छी तरीके से आप सभी देख लेना। चलिए चैप्टर नंबर 7 है AC सर्किट। AC सर्किट में आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है वो पहला रहता है, ये क्या रहता है, चुंबकीय परिपथ से क्या अभिप्राय है, वैद्युत तथा चुंबकीय परिपथ में अंतर बताइए, इसको देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो 100% की श्रेणी में बन जाता है, क्यों बन जाता है मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले से आप +5 मार्क कर लो, संधारित्र में चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग तथा धारा वृद्धि का वर्णन वक्रों सहित कीजिए, क्योंकि ये आपके अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में है, दोनों में से एक जगह आपका ये क्वेश्चन +5 में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन का आपका जो है लाइन फेज का जो क्वेश्चन है ये आपके न्यूमेरिकल में भी आता है और नॉर्मल में भी आता है, तो ये आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और आपका मल्टी फेज जो है सिस्टम में 3 फेज और 1 फेज प्रणाली की जो है कंपेयर करते हैं और लाभों का वर्णन यानी इसके बीच में डिफरेंस, तो इसे भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेना, ठीक है। चलिए
अगला है आप सभी का समांतर अनुवाद और श्रेणी अनुवाद पर टिप्पणी कीजिए और RLC श्रेणी परिपथ, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 8 आ जाता है पावर प्लांट, जो कि लास्ट चैप्टर है, इस पर भी +5 मार्क कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रो प्लांट पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैंने अब तक टोटल 22 नंबर के बता दिए हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 22 नंबर है नहीं, ठीक है, 22 नंबर का मैंने टोटल एक्यूरेट बता दिया है, यानी +5 मार्क, मतलब 100%, यानी आपको बता दूँ कि 6 क्वेश्चन और आपके 22 मार्क। देख लेना इस वीडियो को, एग्ज़ाम दे लेना, लास्ट ईयर की वीडियो डाली थी, इसके लास्ट ईयर भी वीडियो डाली है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल पोर्शन हो, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल पोर्शन हो, 22 नंबर का क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया है, और फिर आने वाली सीरीज में मैं कवर कराऊंगा और सारे क्वेश्चंस जो कि 2024 के प्रोस्पेक्टिव से और देखेंगे एनालिसिस करके। ठीक है, फिलहाल 22 नंबर यानी बैक तो आपकी नहीं आनी चाहिए अगर आपने इतना क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लिया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा मैकेनिकल का पोर्शन। ठीक है, फिलहाल मैकेनिकल के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल के पोर्शन में आपके BMCE जो है टॉपिक और BMEE यानी मैकेनिकल का पोर्शन यहाँ पर आता है, ये आपके मैकेनिकल वालों के लिए नहीं है, मैकेनिकल के लिए नहीं है, तो मैकेनिकल क्या करें, स्किप करें इसे और मूव करें सिविल पोर्शन पर, जो कि आगे आपको मिलेगा। ठीक है, पहला चैप्टर है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स। देखिए जो पहला चैप्टर है ये 100% वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है और यहाँ से +10 नंबर मार्क के चलिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ही पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल प्रकार की एनर्जी का वर्णन कीजिए और ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इन दोनों में से आप सभी को +5 मार्क किसी एक क्वेश्चन में मतलब देखने को मिलेगा, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 100% रहती है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ठीक है, चलिए सोलर तथा विंड, ठीक है, और टिडल ज्वार यानी ज्वार की एनर्जी की बताना है, लाभ हानि तथा उपयोगिता बताना है, जिसमें सोलर और टाइडल यानी ज्वार और जो है ज्वार एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, अब इसमें और भी आता है, थर्मल है, इडल है, बायोमास है और आपका न्यूक्लियर है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं आप, बाकी इन दोनों को स्किप नहीं करना है, बाकी मैंने यहाँ से ही 10 नंबर का पहले ही चैप्टर से बोल दिया है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स वर्क्स के बारे में बताना है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स जो है वर्क्स के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। दूसरा चैप्टर है जो कि आपने अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर इसे पढ़ रखा है, तो इसे मैं आप सभी को स्किप कर दे रहा हूँ, बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा HCB और LCB। ठीक है, क्या होता है HCB और LCB, फुल फॉर्म आप सभी से पूछ रहा हूँ, आप सभी का फुल फॉर्म कमेंट आ जाना चाहिए, अगर आपको कमेंट नहीं आता है तो समझ लीजिए आपको पता ही नहीं है कि HCB और LCB क्या है एक्चुअल में। ठीक है, और ये आपका एक थ्योरी है, ऑक्टेन और सीटन नंबर, ऑक्टेन और सीटन, ठीक है, ऑक्टेन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा लोगों को, ठीक है, सीटन नंबर, ठीक है, ये भी आपके +2 नंबर देते हैं और ये आपके +5 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए और बाकी फ्लू गैस का विश्लेषण करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मैंने हाइलाइटर से ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, और आपको विस्कोसिटी, आपका नॉकिंग है, आपका फ्लैश पॉइंट है, ठीक है, एक्सिस एयर है, ये आपके टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, तो इसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, थ्योरी टॉपिक है आपका जो चैप्टर है ये वाला, तो इसको आप एक बार अगर सरसरी निगाह से भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी चलिए तो अगले चैप्टर के ऊपर आप सभी को लेकर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा चैप्टर है वो ये है पिन कॉटरिंग नकल ज्वाइंट, थोड़ा आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वार्टर का चित्र बनाइए, ये भैया इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से आप +5 मार्क करके रख लो। ठीक है, क्वार्टर का और नकल का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन +5 मार्क्स, फिर यहाँ हटा कर लिख देता हूँ +5 मार्क्स, ध्यान दीजिएगा इस बात का। स्प्लिट पिन एवं टेपर पिन के प्रयोग करने का उद्देश्य है, तो इस दो क्वेश्चन में ही इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और अच्छी तरीके से इसे 5 नंबर देते हैं। छठवां है कपलिंग और क्लच, पांचवा चैप्टर चौथा, चलिए मैं चौथा चैप्टर को यहाँ पर कवर करता हूँ, पांचवा ऊपर होगा मे बी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, विभिन्न प्रकार के क्रैंकों का चित्र बनाइए, कॉलर का चित्र, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कॉलर वाला। ठीक है, इसको आप सभी +5 मार्क करके रखो। शाफ्ट और उत्केंद्रक के कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो कॉलर का चित्र जरूर, अगर आपका डायग्राम है
डायग्राम है तो क्या है, प्लस फाइव है, और डायग्राम अगर नहीं है तो क्या है आपका, प्लस दो नंबर। तो अंतर जान लीजिए डायग्राम और थ्योरी का, ठीक है। चलिए की को परिभाषित कीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो की को समझ लीजिए और किन्हीं पांच प्रकार की को बताइए। तो यहाँ पर भी आप प्लस फाइव मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे, ऊपर देखिए अभी मैंने इस चीज़ को छोड़ा है, और इसमें आपको कपलिंग्स से क्या तात्पर्य है ये बताना है, और स्वच्छ क्षेत्र की सहायता से कपलिंग को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लच, इसे आप प्लस फाइव मार्क करके रखो, क्लच के प्रमुख कार्य बताइए, ठीक है, और इसके उल्लेख कीजिए, ठीक है, उपयोग को बताइए। कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्लच क्या है, क्लच को क्लासिफिकेशन, तो यही क्वेश्चन है जो कि घुमा के रखे ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है। पिन क्वार्टर्स और नकल ज्वाइंट, ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर प्लस फाइव मार्क्स दे देता हूँ आपको, इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। और ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप सभी इसको लिख कर रख लीजिए कि ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक मैकेनिकल पोर्शन का, ठीक है। चलिए कपलिंग्स और क्लच के उपयोग का वर्णन कीजिए। सॉफ्ट कपलिंग क्या है, इसे भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में इसे आप अच्छी तरीके से रख लीजिएगा, ठीक है, इसको मैंने कवर ही कर दिया है। अब आता है बियरिंग, स्पेशल टाइप बियरिंग का वर्णन कीजिए, और एक क्वेश्चन बियरिंग से आपका फिक्स है, तो यहाँ से प्लस फाइव नंबर रख लीजिए। और संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आएगा क्या, फुट स्टेप बियरिंग, कॉलर बियरिंग और बाल बियरिंग, रोलर बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग की तुलना कीजिए, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बाकी बियरिंग क्या है इसको बताना ही आपको, ठीक है, तो बियरिंग आप तभी तैयार कीजिएगा, रोलर बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग और एक स्पेशल टाइप बियरिंग, बस इससे ज़्यादा कुछ आपको तैयार नहीं किया करना है। बूश तथा जनरल बियरिंग की तुलना करना है, एक बार आप देख लीजिएगा डिफरेंस। गियर क्या है, ठीक है, गियर चैप्टर को लेकर आते हैं आप सभी से, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे पिच सर्कल है, ठीक है, पिच पॉइंट है, रैक तथा पिनियन है, पिच है, आपका वृत्ति पिच है, व्यासी पिच है, और गियर माला, ये इंपॉर्टेंट है गियर माला, ठीक है। विभिन्न प्रकार के गियर का वर्णन कीजिए, ये भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हमारा है स्पायर गियर और वेवल गियर की तुलना, ये काफ़ी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको गियर माला की किसमें कौन कौन सी है किसी एक को बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपाउंड और एपिसाइकिल गियर और मीटर व्हील और डबल हेलिकल गियर है, ठीक है, इसको देख लेना है आपको। और मैट्रिक साइज के गियरों के लिए मॉड्यूल तथा सर्कुलर पिच क्या है, गियरिंग का सूत्र लिखिए, ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। अगला है स्प्रिंग, जिसमें पत्तीदार स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, और स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं, यानी स्प्रिंग के बारे में बताना है, और पत्तीदार और हेलिकल स्प्रिंग आप टाइप के रूप में रख सकते हैं। अगला हमारा है वेल्ट रोप चेन, देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, किस चीज़ का सिलेबस, आपके बेसिक मैकेनिकल का। ओपन तथा उभयमुखी पट्टा चालन यानी रोप जो है ड्राइव, उसको देख लीजिएगा। स्लिप क्या होता है, जिसे हम फिसलन कहते हैं, स्लिप क्या है, ठीक है, और आपका इसका वेलोसिटी रेशियो का प्रभाव देखना है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिशन की विभिन्न विधि बताइए, ठीक है, और आपका स्टेप्ड पुल्ली के बारे में भी इसका रेखा चित्र बताना है। अब दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे आप प्लस फाइव मार्क करके रख लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो पट्टा चालन और चेन चालन, ठीक है, तो इसे दोनों को अच्छी तरीके से, चेन ड्राइव को, ठीक है, अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है मैकेनिज्म एंड मशीन्स, ठीक है, इसमें क्या क्या है, मशीन और यंत्र विन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आप जरूर इसे डिफरेंस पाँच पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है, और आपको कैम के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी आप इस पॉइंट्स को आप संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम स्नेहक के ऊपर आ गए हैं, जो कि आपने अप्लाइड केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ से प्लस फाइव नंबर आपके पूछे ही पूछे जाएंगे, और आपको ईजिली मिल भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्लस फाइव को काउंट कर लेते हैं आपका, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आराम से ईजिली बन जाएगा, और मैकेनिज्म एंड मशीन से आप सभी का कैम वाला जो क्वेश्चन है ये प्लस फाइव ही देकर जाता है, ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें, यहाँ से भी प्लस फाइव आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले चैप्टर से भी आप सभी को बता दिया है प्लस फाइव, और स्प्रिंग क्या है, और पत्तीदार और हेलिकल स्प्रिंग तैयार कर लेना है, गियर माला आपको तैयार कर लेनी है, स्पीयर गियर और वेवल गियर की तुलना, ठीक है,
और यहाँ से आपको वेयरिंग के बारे में, वेयरिंग में आप सभी को स्पेशल टाइप बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग को तैयार कर लेना है। की को टाइप की और फाइव टाइप्स आप की को मतलब पांच टाइप्स उसको तैयार कर लीजिएगा। क्वार्टर और नकल में से एक ट्यूशन फिक्स है, पाँच नंबर में इसे तैयार कर लीजिएगा। सॉफ्ट कपलिंग, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लच आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लच को भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपका थ्योरी है, अप्लाइड केमिस्ट्री में आपने पढ़ ही लिया है। आपका जो पहला चैप्टर था उसको मैंने सब बता दिया कि इसमें से 10 नंबर पूछा जाएगा। तो अप्रोक्स मैंने 35 से 40 नंबर का गिना दिया है, जिसमें से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे टोटल, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए सिलेबस लंबा है तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तो है नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चन बता दूं वही आपके एग्ज़ाम में छपेगा। हाँ वैसा बताऊंगा, लेकिन वो एग्ज़ाम के दो चार दिन पहले पूरी तरीके से एनालिसिस करके। अब हम आते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आपके सब के लिए आल ब्रांच के लिए है, ठीक है। पहले तो ब्रिक्स को तैयार करना है, उसके क्लासिफिकेशन को, सीमेंट, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स और इसके क्लासिफिकेशन और इसके यूजेस को, टिम्बर, इसकी प्रॉपर्टी यूज और इसके टाइप्स, ठीक है, फाउंडेशन क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फाउंडेशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग्स वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, आरसीसी क्या है, क्वालिटी यूज़, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वाटर सीमेंट रेशियो और कंक्रीट। तो 7 क्वेश्चन बताया है, जो कि यहाँ से आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलने हैं, तो इसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप प्लस 25 नंबर कर लो। आपका पेपर जो है टोटल 70 नंबर का बनता है। यहाँ से अगर आप सारी चीज़ों को जो हाइलाइटर से हाईलाइट है, ठीक है, उसे तैयार कर लोगे तो आपका 40 नंबर अप्रॉक्स बन जाएगा। बाकी आप नोट्स के लिए ज्ञानविद सचिन का ऐप डाउनलोड कीजिए, आप नोट्स वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।